हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी टॉप 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आ गए, जो साइंस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहो। लास्ट में आप सभी से गाइस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो चलिए देखते, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले 20 वर्ष से गाइस ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक, पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन काफी अच्छा, देखिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो गाइस, और चैनल पे आप सभी गाइस जुड़ जाओ, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताते रहो, जिससे कि कमेंट करते रहो, जिससे कि आप सभी के डाउट क्लियर होते चले जाएं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि गाइस होती है जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रेनल ग्रंथि, ए राइट है इसका, एड्रेनल ग्रंथि। जी फ्रेंड्स, एड्रेनल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? गाइस भंजन है यहाँ पर, वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, कौन सा ऐसा अंग है फ्रेंड्स? सेकेंड का राइट है ऑप्शन नंबर बी, यकृत, बी राइट है इसका, यकृत सही जवाब है। जी फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न क्या बनना है, देखिए आप सभी फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप सभी डाउनलोड करिए। तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए गाइस ईईजी का यूज किया जाता है? तो तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का, सी राइट है इसका, मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से मानव त्वचा का रंग कौन बनाता है? कौन बनाता है गाइस, मानव त्वचा का रंग कौन बनाता है? तो यहाँ राइट आंसर निकला है मेलानिन, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, मेलानिन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आप सभी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स, से क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जितने भी फ्रेंड्स आप सभी का एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, तो उसमें फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो रेगुलर इस चैनल पर वीडियो आती रहती है, आप सभी लोग चैनल पर जुड़ जाओ नहीं जुड़े हुए तो। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के हैं। किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है फ्रेंड्स? पसलियों की सबसे अधिक संख्या किस में होती है? मनुष्य में होती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। सिक्स क्वेश्चन आज का क्या देखिए आप सभी, मानव हृदय में चेंबर की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में चेंबर यानी कक्षक की संख्या गाइस कितनी होती है? सिक्स का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 होती है, ए राइट है इसका, 4। सेवन क्वेश्चन आज का क्या देखिए आप सभी गाइस, देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं में गर्भाशय होते हैं, आप सभी को पता है गाइस, एक गर्भाशय होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और फ्रेंड्स, जो आप सभी देखिए, प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 6 नहीं है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 9 है, ठीक, याद रखेंगे 9 है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्वेश्चन आज का क्या है देखिए आप सभी, कौन सा वृक में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, देखिए निम्न में से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त गाइस हार्मोन कौन सा है? तो यह है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए राइट है, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। जी फ्रेंड्स, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, देखिए क्या क्वेश्चन, काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? गाइस किस अंग में होती है शरीर की ऐसी प्रक्रिया जो विषाक्तता को दूर करता हो? तो 10th का राइट है ऑप्शन नंबर बी, लीवर होता है फिर। ठीक फ्रेंड्स, लीवर यहाँ पर सही जवाब है। 11 क्वेश्चन अच्छा क्या देखिए आप सभी, जी फ्रेंड्स, देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? गाइस शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ए राइट है इसका, ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए 12th क्वेश्चन आज का क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी करते रहो, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो कौन सा पदार्थ जी फ्रेंड्स जम जाता है? ये जम जाता है ऑप्शन नंबर बी, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होता है फ्रेंड्स, वो जम जाता है। ठीक, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जम जाता है, बी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाती है, तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या परिवर्तन पड़ता है फ्रेंड्स? जान लीजिए आप सभी लोग, परिवर्तन फ्रेंड्स पड़ता है, घट जाता है, सभी को आई होप पता है, घटने लगता है ठीक उसका रक्त। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, देखिए क्या क्वेश्चन बना है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? विनियमित करता है, तो कौन सा करता है गाइस? ये करता है परावर्टू हार्मोन, परावर्टू हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। 15 क्वेश्चन आज के क्या देखिए आप सभी, देखिए
देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सभी के परीक्षा में, और एनटीपीसी में तो कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। और क्या क्वेश्चन है, और आपके एसएससी जो एग्जाम लगे फ्रेंड्स, हर साल एसएससी की वैकेंसी 1 से 2 वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वीडियो वो देख ले रहे आप सभी लोग। मानव मस्तिष्क में भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, जान लीजिए आप सभी लोग, सी आंवला गोटा। आंवला गोटा यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, देखिए निम्न में से या निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, किस एक की उत्पत्ति का इसी यकृत का कार्य है, जान लीजिए आप सभी लोग, इसका सही जवाब क्या निकला है, 16 का राइट है ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका यूरिया। देखिए 17 क्वेश्चन आज का क्या है, मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा गाइस एक पाचक एंजाइम नहीं है बताइए आप सभी लोग, 17 का सही जवाब है ऑप्शन देखिए नंबर फ्रेंड्स, बी। 18 गैस क्वेश्चन आज का क्या है, कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, कौन सा गाइस भाग नहीं लेता, जान लीजिए आप सभी लोग, 18 का राइट है ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट, बोमन संपुट यहाँ राइट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, 19 क्वेश्चन आज का क्या बनना है देखिए आप सभी गाइस, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कौन सा ऐसा भाग है जो गाइस संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता हो गाइस, जान लीजिए आप सभी लोग, कौन सा होता है, इसका सही जवाब है थैलेमस। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, 20 क्वेश्चन आज का क्या बनना है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है गाइस, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है, 48% होती है, कितने गाइस 48%, और वायुमंडल में 78% होती है, जान लीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स, जान लीजिए आप, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, अभी उपयुक्त तीनों के लिए, राइट है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों के लिए इस मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट है इसका। देखिए आज का 22 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हार्मोन का एक उदाहरण है गाइस, हार्मोन का एक उदाहरण कौन सा है, जानिए आप सभी, 22वें का सही जवाब है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर ए राइट है ऑक्सीटोसिन। 23 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग फ्रेंड्स, देखिए भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, भोजन का एक प्रमुख काइश अंग कौन सा है, 23 का राइट ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक अंग है भोजन का, ठीक, सी राइट है इसका। 24 क्वेश्चन आज का क्या है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है गाइस, किसका काम करता है, ईंधन का, जान लीजिए ईंधन का काम कौन करता है या कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, आई होप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करता है जी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, देखिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आप सभी के परीक्षा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आप सभी परीक्षा पूछे गए हों और पूछे जाने वाले हों, ठीक है, तो वीडियो पर देखते रहिए लास्ट तक आप सभी लोग। 25 क्वेश्चन क्या, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, जिसको बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ कमेंट करके बताओ, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, या फिर स्टार्च का, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ कमेंट करके बता दो प्लीज़ इसका राइट आंसर क्या है। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी, इनमें से शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, शहद का गाइस प्रमुख घटक कौन सा है, 26 का राइट है ऑप्शन नंबर डी फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज गाइस शहद का प्रमुख घटक है। 27 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है गाइस, तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हुई ऐसी कौन सी शर्करा है जी फ्रेंड्स, कौन सी शर्करा है, वो ग्लूकोज है, डी राइट है इसका, ग्लूकोज शर्करा ऐसी शर्करा है जो तत्काल गाइस ऊर्जा प्रदान करती है। 28 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी फ्रेंड्स, यहाँ पर है इनमें से शहद में मुख्यता होता है, ठीक फ्रेंड्स, शहद में मुख्यता क्या होता है, गलत प्रिंट है, ठीक। 28 क्वेश्चन क्या है, शहद में मुख्यता गाइस क्या होता है, जान लीजिए आप सभी लोग, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में मुख्यता। 29 क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, सर्वाधिक ऊर्जा गाइस कौन प्रदान करता है, जानिए आप सभी, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी गाइस, बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बल्ब में किस गैस का प्रयोग या यूज किया जाता है गैस, जानिए आप सभी, आर्गन गैस का, कौन सा गैस, आर्गन गैस का, जो फ्रेंड्स उसमें तंत्र लगे होते हैं बल्ब में, वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो मिलते हैं किससे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक एक जरूर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है।